जय जगन्नाथ। मो घर मो बगीचा परिवार को आपण मन को अनेक अनेक स्वागत। बगीचा को सुंदर पाई आमे अनेक प्रकार फूल गछ लगे थांती, किंतु एमिति किछि गछ अछि जार पत्र मध्ये सुंदर आउ से आम बगीचा को बहुत सुंदर करथे। सेमिति गोटे गछ होछि कोलियस। आज भिडियोटी मोर कोलियस को नहीं भिडियोटी पूरा देखु। जदि भिडियोटी भल लगे ताले गोटे लाइक करिवे, ता सहित गोटे सब्सक्राइब कर जमार भूल जाए। ये कोलियस सब देखुं मु कोलियस गुड़िक सब एकदम छोट छोट डाल प्रस्तुत पॉट को सब रिपोर्टिंग करमती डाल मु कोलियस गच प्रस्तुत करमती रिपोर्टिंग कर विषय आग को सेयर करा। पूर्व आम देखने मो पाखे कौन कौन सब कोलियस कलेक्शन अच्छी। ये गोटे कोलियस गचर ये गोटे कलर र ग्रीन कलर कोलियस टी छोट भेराइटी ता पत्र गुड़िक छोट। तापर ये गोटे कलेक्शन ए कोलियस आउ ए जो बड़ पत्र टी ए कोलियस सेम नुहे। तापर ये गोटे कलेक्शन या भितरे मेरून कलर रहुची रेड कलर रहुची ता बॉर्डर ग्रीन एटर मध्य भितरे मेरून कलर रहुची ता बॉर्डर ग्रीन किंतु ए दुईटा अलग अलग कोलियस। हाँ देखो ये गोटे प्रकार आउ ए कोलियस ये गोटे प्रकार पूरा कलर सेम किंतु टिके टिके डिफरेंस रहुची। तापर ये गोटे कलेक्शन या पत्र गुड़ी कहती बड़ आउ ये गोटे बड़ भेराइटर कोलियस। ये दुईटी कोलियस मोर गोटे प्रकार डाल दुईटा लगे थी। तापर ये दुईटी कोलियस गोटे प्रकार। तापर ये गोटे कलेक्शन यू मो पाखे दुईटी गच ये दुईटे सेम। ये भाव में सातटी कलर कोलियस मो पाखे अच्छी। मुझे जो नर्सरी जाइली से ग्रीन कलर एकदम छोट टिके डाल मुझे ताकू लगे ये जो बड़ हो गोटे प्रकार हो जो कोलियस सब देखुं ये सब गुड़िक मुझे डाल रु प्रस्तुत कर प्रत्येक गुड़िक तीन रु चार इंच डाल पोती आ बहुत सुंदर भाव गच हो एवं मासे परे ये गच्छ गुड़िक एते बड़ बड़ सब हो जाए। कोलियस गच्छ डाल लगे बहुत सहज एतिकी छोट डाल आम तार गच्छ प्रस्तुत कर पारिबा। बेसी बड़ डाल दरकार नहीं मात्र गोटे रु दुई इंच डाल आमको दरकार से डाल आउे मात्र गोटे गंठी थी। ये भाव में ये गोटे गंठी मटी भितर को रखिक आम पोतीद जेकोसी कुंडे जेकोसी गूल पोतीदेले से चार रु पांच दिन भितर चेर आसीब एवं बहुत भल भाव गच्छ प्रस्तुत हो जो कोलियस डाल गुड़िक लगे थी बर्तमान ताकू बाहर करने भी ताकू अलग पॉट्रे सब लगे ने भी। प्रत्येक कोलियस डाल रे बहुत सुंदर भाव चेर आसी जिते कोलियस डाल गुड़िक लगे थी एकदम छोट छोट डाल तीन रु चार इंच डाल सब लगे थी आउ ए पॉट से मासे रहीगला मासे पर गच गुड़िक सुंदर भाव बढ़ी जाए। जो बड़ कोलियस गुड़िक पत्र गुड़िक बड़ मेरून कलर कोलियस टी से बड़ भेराइटी से बड़ बड़ गच्छ हो आउ ग्रीन कलर कोलियस टी छोट भेराइटी ता पत्र गुड़िक छोट से अनुसार बड़ हो। कोलियस गच गुड़िक लगे मुझे मटी नहीं चारिटा मटी गोटे बाली गोटे खत गोटे चसु ता सहित तो किसी निंब पिड़िया ये भाव में मिक्स करके मटी गुड़िक रखी जमी प्रत्येक गच्छाई मुझे मटी प्रस्तुत करथे से भाया पॉट गुड़िक लगे पॉट गुड़िक ड्रेन होल बहुत बड़ होता से ड्रेन होल दे कि मटी बोही से मुझे सब कपड़ा भरी नहीं बर्तमान मटी भरी नौ आमे कोलियस गच को जो पॉट लगे से पॉट्रे ड्रेन होल बहुत भल भाव दरकार जहाँ पा दे सब जमी ड्रेन हो जाए कोलियस गच बहुत भल भाव बढ़ी पार। कोलियस गच को आम जेकोसी मटी लगेदे से गच्छा मन नुह कि आम जेकोसी मटी लगेद जदि आम चिकिटा मटी लगेद गच्छ तो हो गटी चेर तो लगे किंतु भल भाव मटी भितर से चेर के बढ़ी पारना चेर टाइट हो रही जदि मटी भितर चेर बढ़ी न पारा ताले ऊपर
ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚମକ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ୱେଲ୍ ଡ୍ରେନ୍ ହେଲ୍ଦି ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ପାଇଁ ଯେମିତି ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। କୋଲିଅସ୍ ଗଛକୁ ଆମେ ବର୍ଷାରେ ରଖିପାରିବା, ଖରାରେ ରଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସକାଳରୁ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଖରା ଦେବା କିମ୍ବା ଉପରବେଳାର ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖରା ଦେବା, ତାହେଲେ କୋଲିଅସ୍ ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତା ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚମକ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ, ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ କୋଲିଅସ୍ ଗଛକୁ ଦିନର ଖରା ପୁରା ଦେଇପାରିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା, ସେ ବର୍ଷାରେ ରହିଲେ ଗଛ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାରୁ ଗଛକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗେଇ ନେଲି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ପଟ୍ରେ ଲଗେଇଛି 8 ଇଞ୍ଚର ପଟ୍ରେ ଏବଂ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ 6 ଇଞ୍ଚ ପଟ୍ରେ ଲଗେଇ ନେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଗଛ ମଧ୍ୟ ମୋର ରହିଗଲା ପଲିଥିନରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଗକୁ ଲଗେଇବି, କିଛି ପଟ୍ ଆରେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲଗେଇ ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଣି ଦେଲାବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଯେମିତି ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ହୋଲ୍ ୱାଟର୍ ବାହାରିଯିବ। କୋଲିଅସ୍ ଗଛକୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ପଟ୍ ଦରକାର ହୋଇନଥାଏ, ଅତି ବେଶୀରେ 8ରୁ 10 ଇଞ୍ଚ ପଟ୍ରେ ଆମେ କୋଲିଅସ୍ ଲଗେଇବା। 6 ଇଞ୍ଚ ପଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋଲିଅସ୍ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବା। କୋଲିଅସ୍ ଗଛରେ ଏମିତି ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଫୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଲ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କୋଲିଅସ୍ ଗଛର ପତ୍ର ହିଁ ସୁନ୍ଦର, ତା'ର ପତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଗଛ ରହିବାକୁ ଦେବା, ତାହେଲେ ପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇବା ସହିତ ଆମେ କୋଲିଅସ୍ ଗଛକୁ ପିଞ୍ଚିଂ କରିବା। ଗଛକୁ ଯେତେ ପିଞ୍ଚିଂ କରିବା ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଡାଳ ବାହାରିବ ଏବଂ କୋଲିଅସ୍ ଗଛ ପୁରା ବୁସି ହୋଇକି ବଡ଼ ଆକାର ହୋଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗେଇବାର ସପ୍ତାହେ ପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କୋଲିଅସ୍ ଗଛ, ଏକ ସବୁ ପିଞ୍ଚିଂ କରିନେଇଥିଲି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଳ ଗଛରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାପି ଗାର୍ଡ଼େନିଂ। ସାରା ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ।